वंदे मातरम। मैं आज गौ माता गौमूत्र का चमत्कार दिखाने जा रहा हूँ, उसके साथ साथ में तुलसी माता का भी, दोनों आप प्रयोग साथ में देखिए। यह है बीटाडीन, ठीक। यह है पानी, जल। मैं इस गिलास में इसको डाल रहा हूँ। यह है बीटाडीन, देखिए एकदम लाल हो गया कलर। दीपक भाई, भाई साहब तो अब देखिए यह है गौमूत्र। अब इसमें मैं गौमूत्र डाल रहा हूं। अब इसका कलर आप देखिए। अब यह सीधा सीधा जिसमें ये जो गौमूत्र है उसी का कलर बचा, बीटाडीन एकदम से खत्म हो गया, ठीक। अब मैं दूसरा दिखा रहा हूँ आपको, तुलसी माता का प्रयोग। ठीक, और फिर मैं इसमें डाल रहा हूँ बीटाडीन। ये गौ माता वाला हो गया, अब तुलसी माता देखिए ताकत, इनकी औषधीय गुण। पूरा कलर हो गया जी, हो गया। बीटाडीन इसमें पड़ गया। अब ये देख लीजिए तुलसी अर्क है, ठीक। अब मैं इसमें तुलसी अर्क डाल रहा हूं। देखिए ये तुलसी माता का चमत्कार है, बीटाडीन इसमें से गायब हो गया। अभी पूरी तरीके से एक घंटे लगेंगे, ये पूरा जल के समान हो जाएगा। जैसे जिस जल है, जल भी आपको दिखा दे रहे हैं, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, नहीं मैं पूरा आपको दिखाता इस जल के तरीके से। अभी ये देखिए, ये बन गया कुछ, ये हल्का सा अभी बाकी है। अभी ये धीरे 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 एकदम पानी के तरीके से हो जाए। इसी तरीके से गौमूत्र और तुलसी अर्क का अनुपान करने से शरीर में जितनी भी कचड़े हैं यहाँ से लेकर नीचे तक सब कोई साफ करके निकाल देता है। ये हमारे गौ माता का चमत्कार है, ये हमारे तुलसी माता का चमत्कार है। बीटाडीन का सभी भाइयों को वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।